अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम उरुसा किचन से आज आपको पाया बनाना सिखाएंगे। और आज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम आज आपको पाया बनाना सिखा रहे हैं, उसके इन्ग्रीडियंट्स हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने ये दो पाए लिए हैं, बड़े के पाए हैं ये, यानी बछिया के या भैंस के, जिसके भी आप पसंद करते हैं आपके घर में आप वो पाया लीजिए। हम मसाले बता देते हैं आपको। इसमें एक जवाइये लहसुन है, 4 से 5 टुकड़े ये अदरक हैं, और ये 2 प्याज हैं, हमने 4-4 टुकड़े कर लिए हैं प्याज के। थोड़ा सा ज़ीरा है, बड़ी इलायची, 2 दालचीनी है ये स्टिक, 4 से 5 लौंग, और ये 10-12 काली मिर्च। इसमें नमक लेंगे हसबे ज़रूरत, इसमें हल्दी लेंगे हसबे ज़रूरत, और बाकी पकाने के लिए हमें पानी चाहिए। सही है, अब हम चलते हैं अपनी चूल्हे पर। जब हम जहाँ इसको हमें चढ़ाना है तो सबसे हम पहले हम ये पानी लेंगे। अब ये पानी हमने इसके अंदर डाला, तकरीबन आपको 1 लीटर 2 लीटर आपको पानी लेना है, जो इसमें अच्छी तरीके से ये गल जाए पाए। अब ये हम पाया इसके अंदर डालने लगे हैं, आराम से डालें, याद ज़रूरी है कि किचन के अंदर। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें, हम ये थोड़ा सा हसबे ज़रूरत नमक लेंगे, क्योंकि नमक जब हम इसका भगाड़ देंगे, इसका मसाला बनाएंगे, उसमें भी डलेगा, तो इसलिए कम ही डालिएगा। फिर इसके अंदर हम हल्दी देंगे, सिर्फ कलर के लिए ये हल्दी दे रहे हैं हम, बाकी मसाले में भी पड़ेगी। अब ये जो हमने प्याज ली थी ये डालेंगे, अदरक, ये लहसुन का पूरा, क्योंकि ये खुद ही घुल जाएगा इसके अंदर। बाकी ये जो भी गरम मसाला था हमारे पास ये डालेंगे। अगर आप ये बड़े के पाए ले रहे हैं तो इसको आपको ओवरनाइट पकाना पड़ेगा, और अगर बछिया वगैरह के हैं या मटन है तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो इसलिए पानी आप लोग देख कर डालिएगा। मैंने कम ही रखा है पानी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डाल लूँगी आगे। अब ये 2 से 3 घंटे 4 घंटे इसको पकने देंगे मज़ीद, जब तक ये गल नहीं जाते। देखिए अब हमारे पाए ये गल चुके हैं, ये आपके सामने हैं, ये देखें ये कितनी अच्छी तरीके से हमने पकाया है। 3 से 4 घंटे, तकरीबन 4.5 घंटे हमने इसको पकाया है, ये बिल्कुल हमारे गल चुके हैं, रोगन इसमें ऊपर आ गया है। अब हम इसका मसाला तैयार करने लगे हैं, उसके इन्ग्रीडियंट्स हम आपको बताते हैं। ये हमने 2 से 3 हमने छोटी प्याज ली है, उसको बारीक हमने चॉप कर लिया है, 2 हमने टमाटर लिए हैं, उसको स्लाइस कर लिए हैं छोटे, बाकी ये हरा धनिया है, ये हम ऊपर जब गार्निश करेंगे जब डालेंगे। ये 2 चम्मच पीसी मिर्च है, 2 चम्मच लहसुन अदरक है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट हसबे ज़रूरत, जो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, बाकी ये 1/2 चम्मच हल्दी है। अब हम इसको इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। हमने ये तेल गरम किया है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। इसको हमें लाइट गोल्डन करना है प्याज को, जिस तरह से कोरमे की प्याज करते हैं हम। देखें ये हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो आपके सामने रखा हुआ था। अब इसको फ्राई करेंगे 1-2 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे,
अब इसमें हम मसाले ऐड करने लगे हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे जब हम बिल्कुल मसाला तैयार हो जाएगा हमारा, क्योंकि इतनी जल्दी हम ऐड नहीं करते। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे हम ताकि ये टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, रोगन अपना अलग छोड़ देंगे, मसाला बिल्कुल भुन जाए अच्छी तरीके से जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। देखें हमारा ये मसाला ऑलमोस्ट तैयार पे है, बस टमाटर थोड़े से नरम हो जाए, मसाला भुन जाए। ये देखें हमारा मसाला भुन चुका है, तेल देखें आप बिल्कुल अलग हो गया है, ऊपर आ गया है रोगन। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है, बस अब हम इसको अपने पाया जो हमने चढ़ाया था अब हम ये उसके अंदर शामिल करने लगे हम। ये देखिए ये हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया है, अब हम इसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आप इसको पकने दें हल्की आंच पर ढक्कन ढककर, ताकि इसको अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, ये मसाला पानी में इसके शोरबे में यकजान हो जाए, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें ये हमारा पाया तैयार है, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे एंड में, अब हम इसको सर्व करने लगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, थोड़ी सी अदरक, नींबू स्लाइस रखें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमारी डिश तैयार है, हमारा पाया बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सो प्लीज हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि हम जो भी नई नई वीडियोस डालते रहें आप उससे आगाह रहें। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।